जिज्ञासु हो, आज मैं आपके समक्ष जैसा कि हमारा मासिक राशि भविष्य का क्रम चल रहा है, तदनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जुलाई का मास आपकी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्रमशः एक एक राशि का दर्शाने जा रहा हूँ। प्रथम मेष राशि, मेष राशि वालों को जुलाई का महीना कैसा रहेगा वो आप बड़े प्रेम और ध्यान से श्रवण करेंगे, ग्रह गोचर के अनुसार पूरा नाप तोड़ करके बताने जा रहा हूँ। ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा गोचर की स्थिति ग्रहों की रहेगी, मेष राशि वालों को गोचर ग्रहों के अनुसार राहु, बुध और सूर्य ये तीनों मेष राशि वालों के लिए तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। 15 तारीख को सूर्य बदल करके 15 जुलाई को चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे तो फल में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र महाराज द्वितीय स्थान पर रहेंगे, मंगल मेष राशि वालों के लिए 11वें स्थान पर रहेंगे, 12वें स्थान पर रहेंगे और गुरु 18 तारीख को अभी 10वें चल रहे हैं बकरी हो करके और पुनः राशि परिवर्तन करके 18 जुलाई को गुरु महाराज अपने सिंहासन को आसन को लेकर के बदल रहे हैं और 18 जुलाई को पुनः वापस जैसो धनु राशि पर आ रहे हैं। मकर राशि पर चले गए थे फिर अब पुनः राशि परिवर्तन करके बकरी चल रहे थे, बकरी होते होते पुनः उसी राशि पर आ रहे धनु राशि पर, अपने स्वयं की राशि पर। ये गुरु महाराज का कार्यक्रम है। शनि महाराज भी इसी प्रकार से मकर राशि पर चल रहे हैं और पूरे जो है सो वक्र गति से चल रहे हैं, वो पूरे महीना भर वक्र गति से चलेंगे। गुरु शुक्र बुध ये सौम्य ग्रह हैं, अगर ये वक्री होते हैं तो अति सुफलदायक होते हैं और मंगल क्रूर ग्रह है, वक्री होता अति पापी फल देता है, राहु पाप फल देता है, शनि पाप फल देता है अगर वक्री होता है, तो इस प्रकार से अच्छा बुरा फल जो है सो गोचर ग्रहों के अनुसार प्राप्त होता रहता है। मेष राशि वालों के लिए राहु और सूर्य बुध ये तीसरे रहेंगे मेष राशि वालों को पूरे महीना भर, लेकिन सूर्य बदल के चौथे, लेकिन 15 तारीख तक का मैं बताता हूँ आपको, 15 जुलाई तक ये तीनों ग्रह एक जैसे रहेंगे। अब 15 जुलाई तक तो तीसरा राहु सबसे उत्तम फलदायक होता है, मेष राशि वालों के लिए राहु सबसे अच्छा फल देने वाला है 15 तारीख, यानी पूरा महीना भर रहेगा वो तो, लेकिन सूर्य जो है सो 15 तारीख तक रहेगा। तो तृतीय भाव का जो सूर्य है वो गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य जो अधूरे रह गए हैं 15 तारीख का निपटा दो, 15 तारीख तक महत्वपूर्ण कार्य सरकारी हो जाएंगे, आपके प्रकरण चल रहा है उसको भी निपटा दो, नहीं तो नुकसान होगा भविष्य में, इसलिए सूर्य बलवान इस समय चल रहे हैं। तीसरा सूर्य बड़ा बलवान होता है, पराक्रम भाव का सूर्य होता है इसलिए बलवान होता है। और अग्रजा रवि हन्नात पृष्ठ जाश्चय शनिश्चरा, बड़े भाई के लिए हानिकारक है 15 तारीख तक सूर्य, बड़े भाई क्योंकि अग्रजा रवि हन्नात, अग्रज यानी बड़े भाई की हानि करता है तीसरा सूर्य, इसलिए उनके लिए हानिकारक है 15 जुलाई तक। और उसके पश्चात व्यापारी वर्ग के लिए बुध बहुत अच्छे हैं, भाग्य को देख रहे हैं, इसलिए व्यापारी वर्ग का भाग्य उज्ज्वल बनने वाला है, ये बुध महाराज विराजमान होकर कर रहे हैं। तो 15 तारीख का पूरे महीना भर जो है सो बुध अच्छे रहेंगे, इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम है। और जो व्यवसायिक उपक्रम में पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं
MBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, उनके लिए भी उत्तम फलदायक है, उत्तीर्ण भी हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से भी उत्तीर्ण होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है, व्यवसाय उपक्रम के लिए अच्छा है, ये पूरा महीना उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 15 तारीख के बाद में सूर्य जो है सो आपके चौथे हो जाएंगे। चतुर्थ सूर्य क्या करता है, शरीर रोग कष्ट देता है, शरीर कष्ट देगा, अंग रोग, डाल का रोग, यानी डाढ़ों में दांतों में रोग हो जाएगा, यानी कष्टदायक रोग, यानी कष्ट होना, ये होगा 15 तारीख से के बाद, 15 जुलाई के बाद पूरे महीने पर कभी। और उसके पश्चात शनि महाराज दशम रहेंगे, तो दशम शनि क्या करेंगे, वक्र गति से चल रहे हैं, वक्र गति से चल रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में बाधा पहुंचा रहे हैं, कर्म क्षेत्र आपका बिगड़ा हुआ है और भी बिगाड़ सकते हैं, और आपके जो उतावलापन है, जल्दबाजी है, वो आपको नुकसान कर रही है, गंभीरता से आप नहीं रह रहे, ये कमजोरी है। तो कर्म क्षेत्र में जो है सो हानि हो सकती है, अपव्यय होगा, सुख में बाधा होगी, माता को कष्ट होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य जो चल रहे हैं उन दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी। वो क्या रहेगी स्थिति, 18 तारीख तक गुरु महाराज सपोर्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है, 18 तारीख के बाद स्थिति गंभीर, तो 18 जुलाई के बाद में भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधा इष्ट मित्र इन सब से जो है सो स्वतंत्र गुरु सुख शनि हो जाएंगे तो विशेष हानिकारक होंगे। भूमि आपको विवादास्पद हो जाएगी, भवन विवादास्पद हो जाएगा, कुछ न कुछ यानी कमजोरी रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, मित्रों से भी आपको मन मुटाव हो सकता है, माता के लिए भी ठीक नहीं है। ये 18 तारीख के बाद की स्थिति है, 18 जुलाई के बाद, 18 जुलाई के पहले सब स्थिति अच्छी रहेगी। उसके पश्चात अब आपके जो है तो एकादश भाव में मंगल महाराज विराजमान हैं, वो क्या कर रहे हैं, एकादश भाव में जो मंगल हैं वो आपको विशेष करके धन कुटुंब के लिए थोड़ा सा विवादास्पद कार्य कर रहे हैं, कुटुंब में धन से संबंध विवाद चल रहा है, उसको और बढ़ावा देंगे मंगल। और आपके वाणी में गंभीरता और रोष भर जाएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा, दाहिनी आँख में कुछ कष्ट हो सकता है और विवाद के कारण कष्ट हो सकता है, ये बताएं। दूसरा, संतान संबंधी आपको पीड़ा हो सकती है, संतान संबंधी पीड़ा क्या, संतान के रखरखाव में, पढ़ाई लिखाई में, पठन पाठन लेखन आदि में व्यवधान आएगा, ये पूरे महीना भर आपको ये स्थिति का भोगना पड़ेगा। और इसके पश्चात जैसो आपको सबसे अच्छा जो पूरे महीने भर का जो सबसे अच्छी तारीख है, ये सबसे खराब तारीख है जिनमें आपको सावधान रहना है, खास करके आपको 12 तारीख को क्या होगा, 12 तारीख के 12 जुलाई को मन मलिन रहेगा, मन में मुरझान रहेगी, कोई नुकसान हो सकता है, खोया खोया सा जीवन रहेगा, माता को तकलीफ होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, इसका सावधान नहीं रखना है। और दूसरा, 3 जुलाई को सबसे ज़्यादा आपको सावधानी से रहना है, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, परेशानी हो सकती है और विवाद भी हो सकता है किसी से। और उसके पश्चात 13 तारीख को आपको हानि का समय है, 13 तारीख को, 13 जुलाई को अचानक कोई हानि हो जाए, परेशानी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से ये पूरे महीने भर का जो मेष राशि वालों का भविष्य में गोचर के ग्रहों के अनुसार दर्शाते हुए मैंने समापन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इस गोचर ग्रहों का जो फल है आपको अमृत। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौजन्य से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास।
आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।